हाय गाइस, वेलकम टू रिंकीज एंजल. लेकिन हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं लाइक ऑलवेज फॉर अप्रैल 2019. और बेसिकली इस महीने जो मैं एंजल कार्ड डेक, हमेशा मैं अलग एक डेक यूज़ करती हूँ. आप लोगों को पता ही है, जो लोग चैनल पे न्यू हैं तो टैरो कार्ड्स यू नो सेम रहते हैं एज यूजुअल, बट हम एंजल कार्ड्स डिफरेंट डेक्स यूज़ करते हैं हर बारी. तो इस बारी जो हम एंजल डेक यूज़ कर रहे हैं वो है एंजल आंसर्स बाय डॉरिन वर्च्यू. तो बेसिकली इस डेक में क्या होता है, हमारा यूजुअल डेक होता है उसमें यू नो यू जस्ट गेट अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द एंजल्स, फ्रॉम द सुप्रीम पावर, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं. बट ये एंजल आंसर में थोड़ा एक यू नो डिफरेंस होता है. यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन सोचना है अपने दिमाग में, यू नो जैसे आपके करंट सिनेरियो में कुछ चल रहा है, कुछ तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है, यू नो जहाँ आपको लग रहा है कि आप अटक चुके हो और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है. तो यहाँ पर आप जैसे अपना साइन देखें, उससे पहले एक दिमाग में ना क्वेश्चन सोच लें अपने लाइफ में क्या चल रहा है, किधर आपको आंसर चाहिए. तो उस स्पेसिफिक सिचुएशन रिलेटेड आपको आंसर देंगे एंजल आंसर्स. सो ये थोड़ा यू नो डिफरेंट है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा पहले ही एक्सप्लेन कर रही हूँ ये कैसे काम कर रहा है. जो लोग चैनल पे न्यू हैं और जो लोग मेरे साथ काफ़ी टाइम से हैं, उनको पता है एंजल आंसर के लिए हम हमेशा एक क्वेश्चन दिमाग में रखते हैं, उसके बाद उनका जो कार्ड पुल आउट होता है वो स्पेसिफिक सिचुएशन रिलेटेड होता है. तो आई होप ये थोड़ा आपको क्लियर करे. और जैसे हम करते हैं तीन टैरो कार्ड, एक एंजल मैसेज, इस वक्त हम करें एक एंजल आंसर. और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को ये रीडिंग्स कैसी लग रही है. जैसे मैं हर मंथ आप लोगों को रीडिंग्स दे रही हूँ, क्या ये आपको हेल्प करी? काफ़ी लोग हो आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ आपका. और प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको कैसे लग रहा है. जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. और any further ado, I think हमें अब start करना चाहिए. Let's Scorpio, I'm pulling out three cards for you and an angel answer. तो देखते हैं इस महीने tarot और angels आपको क्या बता रहे हैं. तीन tarot cards और एक angel answer. Scorpio. Okay, जो पहला card आया है आपके लिए वो है card of cups. You know ये card हमें बताता है कि आपने ना बहुत ज़्यादा overthink कर लिया है. You know बहुत ज़्यादा ख्याली sort of चीज़ें बना रखी है दिमाग में कि यार इसका भी आंसर चाहिए, इसका भी सोल्यूशन चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा. यू नो ये आपको बता रहा है कि यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफर कर रहा है, बट आप फील कर रहे हो नहीं, यू नो वट, आई एम केपेबल ऑफ अ लॉट मोर, मैं इससे ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, मैं इससे ज़्यादा डिजर्व करती हूँ. कहीं ना कहीं जो आपको मिल रहा है ना वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. कार्ड आपको सिर्फ यही बता रहा है कि जो आपको इस वक्त मिल रहा है ना वो शायद आपके बेबी स्टेप्स है. यू नो स्टार्ट अक्नॉलेजिंग दैट, स्टार्ट टेकिंग दैट. अगर आपको कोई छोटा प्रोजेक्ट मिल रहा है एट वर्क, एक्सेप्ट इट. यू नो ओनली देन इट्स ओनली गोना सॉर्ट ऑफ गिव यू व्हाट यू वांट. अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें अक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब आप जो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हो दिमाग में, यार ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा. यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन, टू फोकस, और यूनिवर्स जो ऑफर कर रहा है प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कीजिए. यू नो दिस इज नॉट द राइट थिंग दैट यू डूइंग राइट नाउ. अप्रैल में आपको बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करना है, जो चीज़ें सामने से आपके पास चल कर आ रही है उसे मना बिल्कुल नहीं करना है. अब जो सेकेंड कार्ड है वो है कार्ड ऑफ सॉर्ड्स. ये कार्ड हमें बता रहा है कि यू नो मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है. यू नो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको बताया, बट आप क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हो? यू नो आँख पर पट्टी बांध कर क्यों बैठे हुए हो? कोई आपको बता रहा है कि आपको लेफ्ट जाना चाहिए तो आप लेफ्ट जा रहे हो, कोई आपको बता रहा है राइट जाना चाहिए तो आप राइट. नो दिस इज नॉट द टाइम टू बी इन्फ्लुएंस. कोई भी डिसीजन लेनी हो छोटी या बड़ी इस महीने, अंडरस्टैंड कीजिए कि वो दिल से आनी चाहिए. यू नो कि वो आपकी चॉइस होनी चाहिए, आपका डिसीजन होना चाहिए. आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन ले रहे हैं तो वो आप सिर्फ एक गलत स्टेप ले रहे हैं. यू नो इट्स नॉट हेल्पिंग यू. आगे चल के आप डेफिनेटली रिग्रेट कर रहे हो वो चीज़. यू नो आप समझ रहे हो कि आगे चल के आप उससे बहुत ज़्यादा यू नो लो फील कर रहे हो, आप डिप्रेस फील कर रहे हो कि यार मैंने जो सोचा था मैंने वही करना चाहिए था. सो टैरो कार्ड्स आर ओनली गाइडिंग यू एट द राइट टाइम. ये आपको बता रहे हैं कि यू नो अगर कोई भी डिसीजन लेनी हो इस महीने, छोटी या बड़ी, इट हैज़ टू बी योर चॉइस. यू नो इट हैज़ टू बी समथिंग दैट यू आर 100% कन्विंस्ड विद. अब जो थर्ड कार्ड है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स. एस ऑफ सॉर्ड्स हमें बता रहा है कि यू नो यूनिवर्स आपको चीज़ें दे रहा है, लाइक
जैसे हमने पहले भी देखा, इट्स ओनली गिविंग यू गुड थिंग्स इन लाइफ, बट आप कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज दिमाग में बना रखे हो कि यार ये नहीं हो रहा, ये काम नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, पता नहीं बहुत ज़्यादा यू नो नेगेटिव या लो फील कर रहे हो, या कोई कोई इशू है लाइफ में इस महीने जहाँ आप ग्रेट नहीं फील कर रहे हो, यू नो इट फील्स ओनली बैड, एंड पता नहीं सारी चीज़ें अच्छी है, कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेरिबल सिचुएशन नहीं है कि मैं आपको बोलूँ यू नो वट इट्स बैड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट एट द सेम टाइम आप इतना डल क्यों फील कर रहे हो, आप इतना लो क्यों फील कर रहे हो? नहीं, आपको अपने आप को एक नॉट सो गुड स्पेस से उठाकर एक गुड स्पेस में रखना है, चीज़ें अच्छी है, कोई बुरी बात नहीं है, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ ऑफर कर रहा है, आप एक्नॉलेज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। और एक जो इम्पॉर्टेंट बात ये कार्ड बताना चाहते हैं कि अपने वर्ड्स पे ना थोड़ा थोड़ा ख्याल रखिए, कोई गलत वर्ड्स का प्रयोग नहीं करना है इस वक्त, इस महीने आप किसी को कुछ गलत बोल रहे हो वो आप ही को हैम्पर कर रहा है, आप ही को इफेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा केयरफुल आपको वो फ्रंट पे भी होना है। अब जो थर्ड कार्ड है वो है द अबंडेंस, सॉरी जो एंजल मैसेज है, एंजल आंसर जिसे हम बताते हैं, तो ये बता रहा है कि यू नो जो सिचुएशन आपकी है इस महीने, जो क्वेश्चन आपने दिमाग में बांध रखा है, आई डोंट नो बट यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफर कर रहा है, ये भी बता रहा है कि चीज़ें आपके पास सामने से चल कर आ रही है, वो जो सिचुएशन है वो अपने आप सुलझ जाएगी, आप इतना पैनिक कर रहे हो, इतना प्रेशराइज कर रहे हो, सारी चीज़ें एक साथ आएंगी आपके साथ, यू नो इट्स जस्ट गोना बी लाइक अ मिरेकल, अचानक से सब कुछ ठीक हो गया, ये जो मेरे अंदर दिमाग में 100 चीज़ें चल रही थी आज मैं फ्री फील कर रहा हूँ, आज मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ, सो इट्स ओनली हेल्पिंग यू गेट बेटर, अंडरस्टैंड दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज everything that you have to receive to sort of accept that's coming your way, हाँ, और किसी से influence नहीं होना इस बार, that's about it, I hope ये readings आपको पसंद आए, आपको April महीने में help करें आगे बढ़ने के लिए, that's about it, stay tuned, stay connected for lots more, thank you.